साथ हैं और भी बेशुमार साथ हैं
जो आपने अल्लाह के रसूल से हासिल की, अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाई। और मुहद्दिसीन ने लिखा है कि हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा की शान में 18 आयात उतरी। तो हज़रत ने फरमाया कि हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा मेरी वो ज़ोजा मोहतरम है जिनकी मोहब्बत रब ने मेरे दिल में डाल दी। तो आपने अपनी घरेलू ज़िंदगी में जिस तरह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साथ दिया, तारीख के उराक खंगाल के देखें तो आप अपनी इस खिदमत में भी बेनज़ीरों बेमिसाल। इसलिए जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर आखिरी बुखार तारी हुआ तो आपने आखिरी हफ्ता जो है वो हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हुज्र अंगार में गुजारा। ये आपकी शान है कि आप ये समझते हैं। और 16 रोज़ा पाक जो है कि यौम फतह मक्का है, जिसे अल्लाह पाक ने हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कोशिशों और आपकी वाज़ो तबलीग का निचोड़ पैदा फरमाया, निचोड़ रख दिया, यौम फतह मक्का हुआ, खाना का बाग उर्दू से पाक हो गया, वहाँ कलमा तौहीद बयान हो गया। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पहली मरतबा हज़ूर के हुक्म से काबा की छत पर खड़े होकर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर की सदा को बुलंद किया। 16 रमजान पानी जो मेरा मक्का है, हमारी नई नस्ल को ये जो दिन मनाते हैं जश्न बहार आते हैं वैलेंटाइन डे मनाते हैं, उनकी जो बड़ी खबर होती है इन दिनों को भी याद रखा करें कि इस दिन फतह मक्का को क्या हुआ था। आज जो काबे को रौनकें नसीब हो रही हैं, फतह मक्का के दिन की बरकत है कि हुज़ूर ने फरमाया काबा आज के दिन मैं तेरी ऐसी सफाई कर दूंगा कि क़यामत तक तेरे अंदर बुत परस्ती नहीं होगी। पहले जितने भी नबी आए उन्होंने बुतों से पाक किया, लेकिन बाद में फिर बुतों को रख दिया गया। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद 500 साल का साथ खाना काबा में बुत पड़े रहे, बुतों की परस्तिश होती रही। तो अल्लाह पाक हज़रत अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ए काबा मोहम्मद अरबी तेरी ऐसी सफाई करेगा कि आज के बाद क़यामत तक कलमा तौहीद के अलावा कोई भी कलमा तेरे अंदर नहीं पूजेगा। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंद होती रहेगी। मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से एक रवायत हम पढ़ते आ रहे हैं, आपने फरमाया जब क़यामत आएगी तो खाना काबा को उठा लिया जाएगा। हदीस से बात में आता है क्या मेरे गुलामों खाना काबा को जी भर के देख लो, क्योंकि क़यामत के दिन सबसे पहले खाना काबा को उठाया जाएगा। वो आसार होंगे कि क़यामत आ रही है, आसार होंगे तो खाना काबा जब उठाकर फरिश्ते ले जा रहे होंगे तो खाना काबा बोल पड़ेगा कह क्या मेरे फरिश्तों मुझे मदीना पाक ले जाओ। फरिश्ते कहेंगे कि ऐ खाना काबा मदीना पाक जाने का क्यों शौक है। तो खाना काबा करेगा तो वहाँ वो हस्ती लेटी है जिसने मुझे पाक कर दिया, उनकी बारगाह में सलाम पेश करना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये वो दिन 16 रमजान 17 रस्मा बदल हुआ, हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपका योम विसाल है। और इसी तरह 21 रमजान पाक फातेह खैबर शेर खुदा सैफ उमिन सलूफिल्ला हज़रत सिद्दीक़ जनाब मौलाना हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला का योम शहादत। 21 रमजान पाक आपको अल्लाह के नबी ने शहादत की बिशारत आपकी ज़िंदगी में दे दी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और आप खुद मिंबर पर बैठकर अपनी शहादत का वाक़या सुनाते हैं, सुभान अल्लाह। हम तो अपने बुजुर्ग की शहादत का वाक़या सुनाते हैं तो हज़रत मौला कायनात हज़रत शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला ने खुद अपनी शहादत का वाक़या सुनाते हैं, सुभान अल्लाह। तो किसी ने आपसे कहा कि आप अपने कातिल को कत्ल क्यों नहीं कर देते, आपने फरमाया अभी उसने मुझे कत्ल ही नहीं किया, अभी वो मुझे शरफ हासिल हुआ ही नहीं है। तो हुज़ूर ने फरमाया अली मुर्तज़ा जब तेरी शहादत हो जाएगी तो तेरा खून तेरी दाढ़ी से जो है वो चलता हुआ तेरे सीने पर आ जाएगा। तो आप ये भी अल्फाज जब शहादत अपनी बयान फरमाते तो ये अल्फाज बयान करते कि इस तरह मेरी दाढ़ी से मेरा खून जो है वो चलता हुआ मेरे सीने तक आ जाएगा। तो आपके दोस्तों ने कहा कि आप हर तकरीर में ये खून का वाकया भी बयान फरमाते हैं, आपने फरमाया जो एहसास मेरे नबी ने मुझे दिया है मैं उसे हर मौका पर बयान करूंगा। नारे तकबीर, नारे रसालत, नारे हैदरी, अजमत व शान मुस्तफा। तो हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
आपकी शान अजमत ये है, आपने फरमाया जो एजाज मेरे नबी ने मुझे दिया है वो एजाज मैं मिंबर व मेहराब पर बैठ कर कहूँगा कि मेरे नबी ने मुझे कहा है अना मदीना जो इल्म में बाहर उल बाब होगा मैलम का शहर और उसका दरवाज़ा है। तो इस रमज़ान पाक ये आपकी शहादत करें, आपके लिए सारे सवाब करें, आपके लिए दुआ मानी करें, जो कि बेहतरीन तरीका है आप उनको सलाम करें। तो ये मैंने आपको अयाम इसलिए याद दिलाए, अल्लाह का फरमाते हैं उस गुरु अयाम अल्लाह, अल्लाह के दिनों को याद रखा करो। हमारी आने वाली नस्ल जो नहीं जानती कि हुजूर अलैहिस्सलाम की औलाद मुबारक कितनी थी, सहाबा कराम कौन थे, इनका मकाम क्या है, अहले बैत हर कौन है, तो इन चीज़ों को आज बढ़ने के लिए ये सिर्फ उलमा ने ठेका नहीं ले रखा, खुद भी पढ़ा करें, मुतालिया किया करें कि हमारी तारीख में कैसे कैसे हीरो, हमारी तारीख में कैसी कैसी हस्तियाँ, हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे कैसे हीरे तराशे, कैसे कैसे नगीने पेश किए जो तरीक पेश करने से कासर है। एक हिंदू राइटर लिखता है कि बड़े बड़े जो है वो गुरु आए, बड़े बड़े जो है वो स्वामी आए, लेकिन जैसा स्वामी और जैसा गुरु मोहम्मद अरबी है, उनका अखलाक भी हम सब के लिए मशरे रहा है। और जो आपने शख्सियात को मुरतब किया, जिन शख्सियात की आपने तरबियत फरमाई, अब अगर वो अबू बकर है तो सिद्दीक बन गया, उमर है तो फारूक बन गया, उस्मान है तो गली बन गया, अली है तो मुर्तजा हैदर कलार बन गया। आपने उन शख्सियात की ऐसी ऐसी तरबियत फरमाई कि उनके जमाने में जमाने पर हुकूमत की है, उनके अकबाल ने जमाने पर हुकूमत की है, उनके अहबाब ने जमाने पर हुकूमत की है। तो हजरत अली शेरुखदार रज़ी अल्लाह तआला का ये मकाम और मर्तबा यही काफ़ी है। 350 हजार आपकी शान अक्दस में कुरान पाक में उतरी है, बाकी आपके फ़ज़ाइल आपके जो शमाइल हैं, आपकी जो शान है वो बंदा इस मकसद से वक्त में बयान करने से कासर है। पर मैं कोशिश करूँगा कि गज़वा बदर के ज़िमन में ये सारे मामला आपके सामने पेश करूँ। इस तरह 21 रमज़ान का जब आगाज़ हो जाएगा इतवार को, तो फिर इतकाफ का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो रमज़ान के आखिर में इतकाफ करता है अपनी ज़ात का एहतसाब करते हुए ईमान की हालत में, अल्लाह ताला उसके पहले गुनाहों को माफ़ कर देता है। तो हर आकल बालग साहब फुर्सत आदमी वो इतकाफ करे, अगर इलाके के मोहल्ले के चंद बंदे बालग मुसलमान वो इतकाफ करते हैं और अल्लाह ताला का जिक्र अज़कार करते हैं, 10 दिन का ये चिल्ला करते हैं, तो अल्लाह ताला सारे मोहल्ले की तरफ से वो इतकाफ कबूल फरमा लेते हैं। तो ये बड़ी प्यारी इबादत है, 9 या 10 दिन ये इतकाफ की शहादत की हासिल करें। अगर खुद नहीं बैठ सकते किसी को बिठाएं और उसकी सहज गुफ्तारी का बंदोबस्त करें, अगर मोहल्ले के चंद अफराद जो है वो बैठते हैं उनकी खिदमत का अगर आप जिम्मा लेते हैं आपको इसका सवाब पहुँचेगा। एक मेरी ज़रूरी गुजारिश ये है कि छोटे बच्चे ना बैठें, गैर संजीदा अफराद इंतकाफ ना करें, जिनको इंतकाफ का इलम ही नहीं है, ये महज को शराब करने का बहाना नहीं होता, बल्कि इंतकाफ बहुत अजीम इबादत है। ये संजीदा फिक्र लोग, ये बालग लोग, बड़े लोग जो इस चीज़ को जानते हैं वो बैठें, अल्लाह ताला इस इबादत के सदक़े बहुत बंदे पर इनाम इकराम फरमाते हैं। तो जो ने फरमाया जो इतकाफ करे अल्लाह ताला उसके पहले गुनाहों को माफ़ कर देता है, तो ये भी शहादत हासिल करें। वो फिर एक और बात आ रही है कि 5 ताक रातें आ रही हैं, 5 ताक रातें आ रही हैं कि 1 ताक रात में कुरान पाक का नज़ूल हुआ है, 1 ताक रात में कुरान पाक का नज़ूल हुआ है, उसकी शान में बयान हुई है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र फ़मा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर। ऐ लोगों मैंने कुरान को शबे कदर में नाज़िल किया, सुभान अल्लाह, तो क्या जानते शबे कदर क्या है, शबे कदर 1000 महीने से बेहतर, सुभान अल्लाह, 1000 महीने से बेहतर है। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा अपने सहाबा किराम में पहले ज़माने के एक मुजाहिद का किस्सा बयान फरमा रहे हैं, आपने सुना पहले ज़माने में एक शख्स था, उसने 1000 साल तक जो है वो रोज़ा रखा, जिहाद किया, अल्लाह का जिक्र किया, और आप उसकी मिसाल बयान फरमाई, सहाबा किराम ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तो उम्र इतनी नहीं होगी
उसके सवाब को हम कैसे कमा सकते हैं। अल्लाह पाक ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेज दिया, फरमाया मेरे गुलामों को ये कहें, अपने गुलामों को ये फरमाएं कि जो लैलतुल कदर को पाले उस मुजाहद के 1000 साल से भी बढ़ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की मुसाफत से ये ताब रातों में से कोई एक ताब का पांचों जाके कोई एक ताब का आपको भी मिल सकती है, जिसमें गुनाहों की बख्शिश है, मगफरत है, आसानियाँ हैं। ये चीज़ों का इकराम करें। ये महीना बड़ी तेजी के साथ अपनी बरकतें अपने सांस में समेटता हुआ हमसे गुजरा हो रहा है। आने वाले वक्त की कदर करें। जिंदगी का सामान भी जिंदगी वक्त भी इसी तरह गुजर जाता है, बंदे को खबर नहीं होती। आपको तो हमें पता है कि कुछ नाम बाकी है, अपने आप को राजी कर लें, अपने आप को राजी कर लें। अल्लाह ताला बख्शने वाला है। कुरान पाक की आयत है, हम पढ़ते रहते हैं, रब्बाना ला तुआखिज़ना इन नसीना अव अख्ताना। ये पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ते हैं। रसूल ने फरमाया जब ये बंदा पढ़ता है, रब्बाना ला तुआखिज़ना इन नसीना अव अख्ताना, या अल्लाह हमने कोई भूल कर गलती कर ली है तो हमसे पूछना नहीं, हम पर वो बोझ नहीं डालना जो पहले मुझ पर डाले। तो हर लफ्ज पर अल्लाह पाक फरमाते हैं, अच्छा मैंने तेरी बात को सुन लिया, अच्छा मैंने तेरी बात को सुन लिया, अच्छा मैंने तेरी बात को सुन लिया है, मैंने तेरे गुनाहों को माफ़ कर दिया। आखिर तक कातों ने इस दुआ का वजीफा भी जारी रखे, रब्बाना ला तुआखिज़ना इन नसीना अव अख्ताना, रब्बाना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहू अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिना, या अल्लाह हम पर वो बोझ न डाल जो पहली उम्मतों पर डाले थे, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो हर जुमले के बदले अल्लाह पाक ये फरमाते हैं, अच्छा मैंने तेरा साथ यही किया, मैंने तेरे गुनाहों को माफ़ कर दिया। तो इन बरकतों को हासिल करने की कोशिश करें, अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अब गज़वा बदर के हवाले से चंद बातें आपके सामने पेश करने की मैं कोशिश करूँगा। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अहमदे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लबलकत नसरकुमुल्लाहु बिबदर वअंतुम अज़िल्ला। ऐ मेरे महबूब, गज़वा बदर के मैदान को याद करें कि जब आप कमज़ोर थे, आप नातमा थे, आपके पास कोई असला नहीं था, आपके पास ज़्यादा घोड़े नहीं थे, आपके पास ज़्यादा ऊँट नहीं थे, आपके पास तलवारें भी नहीं थी। 313 का लश्कर, 8 घोड़े, 70 ऊँट, 2 नेज़े और 8 तलवारें, 313 का लश्कर। और जो मद्दे मुकाबल काफर है उसके पास 1000 का लश्कर है, हर के पास तलवार है, हर एक के पास नेज़ा है, हर एक के पास सवारी है, असले से लेस है और लोहे का लिबास पहना हुआ है। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं, महबूब मेरे, ऐ मेरे रसूल, ज़रा बदर के मैदान को याद करो, ज़रा बदर के मैदान को। अल्लाह ताला जब बंदे को कोई नेमत दे ना, तो नेमत देने का मकसद ये होता है कि बंदे याद करो। मसलन जब बंदे के पास गाड़ी आ जाए तो नेमत का मकसद ये होता है बंदे याद करो कि जब तुम्हारे पास साइकिल भी नहीं थी। जब बंदे को बहुत सा कारोबार मिल जाता है तो अल्लाह पाक फरमाते हैं, बंदे याद किया करो जब तुम्हारे पास ये नहीं था। आज हर बंदे ने 1 लाख रुपए का मोबाइल पकड़ा हुआ है, एक वक्त वो था हमारे पास 500 रुपए नहीं होते थे। तो याद करें, तो अल्लाह पाक ने फरमाया, महबूब याद करें जब आप कमज़ोर थे, 313 का लश्कर था, लेकिन वो क्या कैफियत थी, वो क्या बात थी कि जिसने इस 313 के लश्कर को उस पर हावी कर दिया, वो जज्बा ईमानी था, वो कुव्वत ईमानी थी और हुजूर अलैहिस्सलाम की दुआएं थी और हुजूर अलैहिस्सलाम की इत्तबा थी। वरना आप कमज़ोर थे। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ये इलम हुआ ना कि काफर लोगों ने हमला कर दिया है और वो तैयार होकर आ रहे हैं, अबू जहल भी आ रहा है, अबू लहब भी आ रहा है, उतबा शीबा वली, ये बड़े बड़े पहलवान आ रहे हैं, तो आपने अपने सहाबा किराम को जमा फरमाया। याद रखें, जब इनाम मिलता है, रब को इनाम देता है, तो पहले वो टेस्ट लेता है, पहले अपने बंदों का टेस्ट लेता है, फिर वो देखता है कि मेरे बंदों के टेस्ट में पोजीशन क्या है। जब वो पोजीशन को मजबूत देखता है तो फिर लकड़ी लकड़ी रहती बल्कि वो तलवार बन जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बंदा मोमन के यही हाल है। असि ने तली के सरू जमाइए में ईद 29 या 30 रमज़ान के बाद होगी। अल्लाह पाक पहले टेस्ट लेगा मेरे बंदों का रमज़ान, इसमें किसी ने कोई बेसब्री तो नहीं की, कोई दगा तो नहीं किया,
किसी ने तरावी तो नहीं छोड़ी, बाजारों में तो टाइम पास कर दिया, वो टेस्ट देता है। जब वो टेस्ट देता है उसके बाद वो परखता है कि मेरे बंदों की ईमानी कैफियत कैसी है। किसी की 10% होती है, किसी की 20% होती है, किसी की 50% होती है, किसी की 100% होती है। तो अल्लाह के नबी ने टेस्ट लिया, अपने फरमाया सहाबा इकराम जमा हो जाओ, ना सलाह है, ना तीर है, ना तलवार है, ना घोड़े हैं, मुझे अपने अपने ईमान के बारे में बताओ। लश्कर आ रहा है, 1000 का लश्कर है, तुम क्या कहते हो? हजरत मिकदाद उठे, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमको हजरत मूसा अलैहि सलाम की कौम की तरह नहीं। जब हजरत मूसा अलैहि सलाम ने उनको कहा आओ मेरे साथ लड़ो, तो उन्होंने कहा मूसा तेरा तू और तेरा खुदा जाकर लड़े, नहीं हम वो कौम नहीं है, हम हजूर के गुलाम हैं, आप हमें आग में कूद जाने का हुक्म देंगे हम आग में कूद जाएंगे, दरिया में कूद जाने का हुक्म देंगे दरिया में कूद जाएंगे। हजूर अलैहि सलातो वसलाम की चेहरे पर मुस्कुराहट आई। जब बंदा अपने शहीदों के इम्तिहान को कामयाबी में देखता है तो मुस्कुराता है। एक और साहबी उठे, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप देखेंगे कि जब दुश्मन सामने होगा या उनकी गर्दनें कटेंगी या हमारी गर्दनें कटेंगी, और वो मैदान से भागते हुए नजर आएंगे, हम अपनी जानें कुर्बान करते हुए मैदान में नजर आएंगे। हजरत फारूक उठे, अपनी आवाज़ को बुलंद किया। हजरत अली उठे, आपने फरमाया कि मेरी तलवार या रसूल, आप देखेंगे मेरी तलवार अपना हक अदा करेगी और मेरा सर नगू नहीं होगा। हजूर जिसके साथ भी मुझे लड़ने का हुक्म देंगे, अली अपने तलवार के साथ लड़ेगा, तलवार ना हुई तो बिन तलवार के लड़ेगा। अब ये जब सरकार ने अपने सहाबा कराम के ईमान को देखा ना, टेस्ट में पास हो गए सारे, तो आपने फरमाया सफ़े सीधी कर, सफ़े सीधी हो गए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मुख्तसर सा बयान कर रहा हूँ, सफ़े सीधी हो गई, दुश्मन भी सामने आ गया, इधर हजूर के 313 सहाबा, सरकार ने इम्तिहान ले लिया, अपने सहाबा का इम्तिहान ले लिया है, 313 सहाबा इकराम, और ये वो बदरी सहाबा इकराम हैं जिनके बारे में सरकार ने फरमाया अगर ये नमाज छोड़ भी देंगे अल्लाह ताला इनसे पूछेगा, अगर रोजे नहीं भी रखेंगे तो अल्लाह इनसे पूछेगा। बद्र का मैदान उन्होंने मारा, अल्लाह ने जन्नत का सर्टिफिकेट दे दिया। अल्लाह राजी हो, और जब अल्लाह राजी हो जाता है तो फिर नाराज नहीं होता, उसे पता होता है कि ये वो मेरे बंदे हैं कि मेरी रजा के बाद नमाज नहीं छोड़ेंगे बल्कि और ज्यादा पढ़ेंगे। सुभान, तो फरमाया कि सफ़े सीधी हो गए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर के साथ आप मैदाने बदर में गए हों तो जहाँ हजूर का वो चबूतरा बनाया गया वहाँ उन्होंने मस्जिद बनाई है, आज भी वहाँ हुआ है, और जहाँ दुश्मन को फेंका गया था तो हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस चबूतरे में तशरीफ़ फरमा हुए, और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ फरमा हुए साथ। अरे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं चूँकि सरकार ने अपने गुलामों का टेस्ट ले लिया था, इम्तिहान पास, जब पास हो गए तो अल्लाह सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मुसल्ला बिछाया और रकअत नमाज की नियत फरमाई, दो रकअत पढ़ने के बाद आपने हाथ दोनों बुलंद फरमा दिए, दोनों बुलंद फरमा दिए, हाथ आपके चेहरे से ऊपर है, ये कफियत है। आपने फरमाया या रब्बुल आलमीन आज वो मुझसे वादा पूरा कर दे तुमने मुझसे किया। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान, ये दुआ उसी वक्त निकलती है नबी की जब शगिर्द पास हो, शगिर्द पास हो, फरमाया या अल्लाह वो वादा पूरा कर जो तूने मेरे साथ किया था, या परवरदिगार या अल्लाह हम थोड़े हैं, हम नादवा हैं, हम कमजोर हैं, हमारे पास हथियार भी नहीं, या अल्लाह आज वो फतह हमारे लिए दे दे जिसका वादा तुमने मुझसे किया। सुभान अल्लाह, फिर आपने एक जुमला वो इरशाद फरमाया जो सिर्फ हजूर के इख्तियार में था, मेरे और आपके इख्तियार में नहीं है, ये हजूर के इख्तियार में है। अब फरमाया या रब्बुल आलमीन आज ये मेरे गुलाम और तेरे बंदे जो मैंने तैयार किए हैं आज ये शिकस्त खा गए, क़यामत तक तेरी बारगाह में सजदा करने वाला कोई नहीं होगा, क़यामत तक तेरी परस्तिश करने वाला कोई नहीं होगा। या अल्लाह अपने
बंदूक की और मेरे गुलामों की को फतह अता फरमा, इनको कामयाबी और कामरानी अता फरमा। और सैयदना सिद्दीक़ फरमाते हैं सरकार दुआ करते करते उठ खड़े, अल्लाह हम दुआएं तो करते हैं लेकिन किस बेस पर, हम कहते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं होती तो किस बेस पर हम दुआएं करते हैं, न नमाज न रोजा न कोई और बात, फिर भी दुआ करते हैं। वो तो करीम है, वो फिर भी दे देता है, लेकिन दुआ मांगने से पहले ये जरूर सोचा करें कि दुआ मांग रहे हैं तो किस बेस पर मांग रहे हैं। हमने भी कुछ किया कि नहीं किया, जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी। अब हजरत को तो पता है जिस बेस पर दुआ मांग रहा है, एक तो मैं अल्लाह का महबूब हूँ, दूसरा मेरे गुलाम सच्चे हैं। आप कुछ खड़े हुए, मैंने पीछे से पकड़ लिया, या रसूल अल्लाह इंतहा हो गई, अल्लाह ताला आपको जरूर नवाजेगा। सरकार ने फिर वही जुमला फरमाया, या अल्लाह मेरे गुलामों की मदद फरमा, आज इनको शिकस्त हो गई, क़यामत तक तेरी बारगाह में सजदा करने वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह पाक ने जिब्रील को भेजा, आपने फरमाया जिब्रील जाओ मेरे महबूब के पास और मेरे महबूब को ये बशारत दो कि 3,000 फरिश्ते आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह रसाले, अरे हैदरी, शाने मुस्तफा, जिंदाबाद। सजाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गर्दू से कतार अंदर कतार आओ भी। सुभान अल्लाह, पहले सजाए बदर पैदा कर, ये अपने मन में सजाए बदर पैदा कर। सुभान अल्लाह, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दू से आसमान से कतार अंदर कतार अब भी, अब भी फरिश्ते तेरी मदद को आ सकते हैं। 3,000 कलश्तर आ गया। सुभान अल्लाह, तो हुजूर मुस्कुरा पड़े, यादा और भी फरमाया हम देखेंगे आपकी सिपाही जब लड़ेंगे तो 5,000 कलश्तर और आ जाएगा। सुभान अल्लाह, फरिश्ते आ गए। अब जब काफिरों ने देखा तो अबू जहल से कहा, अबू जहल तूने तो कहा था वो थोड़े सामने तो हजारों नजर आ रहे हैं, हजारों का लश्कर है। अबू जहल भी घबरा गया और अबू लहाब भी घबरा गया। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र को दुरुस्त फरमाया, आपने लड़ने की तरकीब पैदा फरमाई और सहाबा इकराम को लड़ने का हुक्म दिया। किस तरह फिर तारीख में आता है कि लड़े, पहले 3-3 बंदे लड़े, हजरत अबू उबैदा, हजरत अली हमजा और हजरत अली, आप 3 बंदे पेश हुए। वहाँ से वलीद, उतबा, शीबा, ये काफिरों के बहुत बड़े पहलवान, ये पेश हुए। हजरत अली हमजा ने अपने मद्दे मुकाबल को मारा, हजरत अली ने अपने मद्दे मुकाबल को मारा, हजरत अबू उबैदा जख्मी हो गए, गिर पड़े, हजरत अली आगे बढ़े और उस काफिर को भी मार दिया। ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला बिल फता, आपने उसको भी मार दिया। काफिरों ने जब देखा कि एक एक की बाजी में यक मुश्त हमला करते हैं, अब गुमसान की जब लड़ाई छिड़ी तो सैयदना अली मुर्तजा फरमाते हैं, सैयदना उमर फारूक फरमाते हैं कि हम ऐसे लड़ रहे थे हमारे हाथों में कोई चीज़ नहीं थी, हमारे हाथों में कोई ऐसी चीज नहीं थी, किसी के हाथ में छड़ी कोई ऐसे ही लड़ रहा था, अगला बंदा तलवार मार जो है वो फेंक रहा है और हम अपने हाथ से ऐसे कर रहे हैं, खुदा की कसम हम अपने हाथ से ऐसे करते थे और उसका सर कलम हो जाता, क्योंकि फजाए बदर पैदा कर फरिश्ते थे, हर सहाबी के साथ फरिश्ता खड़ा हो चुका है। अब्दुर्रहमान जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला के साहबजादे थे, उस वक्त मुसलमान नहीं हुए, वो काफिरों में, उन्होंने जब इस्लाम ले आए तो उन्होंने कहा अब्बा जान आप 5 मरतबा मेरे सामने आए, मैंने बाप समझ कर छोड़ दिया, मैंने बाप समझ कर ये थी गैरत ईमानी सैयदना सिद्दीक़ अकबर की। अब्दुर्रहमान आपके बेटे ने कहा कि मैंने बाप समझ कर छोड़ दिया, सैयदना सिद्दीक़ ने फरमाया खुदा की कसम एक मरतबा भी मेरे सामने आते मैं बेटा समझ कर कभी ना छोड़ा। उस वक्त दुश्मन रसूल था, ये गैरत थी। तो ये जब लड़ाई हुई सैयदना अली मुर्तजा शेरखुदा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं थोड़ा सा लड़ता और 3-4 काफिरों को ठिकाने लगाकर सरकार की खैरियत पूछने के लिए वापस चबूतरे में आ जाता, देखता कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर तशरीफ़ फरमा और हुज़ूर अलैहिस्सलाम दुआएं फरमा रहे और वृद्ध क्या है, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका इस्तगीथ, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका इस्तगीथ, ये पढ़ा करें जब भी कोई मुश्किल वक्त आए तो गाने ना गाया करें, ये वजीफा पढ़ा करें, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका इस्तगीथ, ये पढ़ा करें मुश्किलें दूर हो जाती हैं।
तो फरमाया कि अली फरमाते हैं मैं 9 मरतबा गया और 9 मरतबा वापस आया। एक आशिक ने लिखा है कि अली खुद नहीं लड़ रहा था, ये जब वापस आते सरकार के दीदार से फिर तरोताजा हो जाते, फिर तरोताजा हो जाते। और सहाबा इकराम के हाथ में तो छड़ी नहीं थी, तो तलवार नहीं थी, तो वो कौन सी ताकत थी जो उनको लड़वा रही थी? वो हुजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का के साथ ताल्लुक की मजबूती और अल्लाह तआला की जात पर तवक्कुल, अल्लाह की जात पर तवक्कुल और हुजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मजबूत ताल्लुक। हम तो घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो परेशान नहीं हुए। अते उकाशा फरमाते हैं कि मेरे पास तलवार थी, उसका दस्ता नाजक था जैसा वो हिलती है, वो लड़ते लड़ते थक गई, मैं हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तलवार टूट गई। वो आपने ये नहीं फरमाया साहब ऐ उकाशा तो मैं क्या करूँ, अगर तलवार टूट गई तो मैं क्या करूँ, बैठ जाऊँ यहाँ पर? आपने ये नहीं फरमाया। करीब एक छड़ी पड़ी हुई, करीबी एक छड़ी पड़ी हुई थी, आपने फरमाया पाशा इससे लड़ो, कुर्बान जाए देने वाले पर कुर्बान जाए देने वाले पर, देने वाला भी बेमिसाल, लेने वाला भी जिस यकीन के साथ और जिस तवक्कुल के साथ ले रहा है, उसने भी ये नहीं कहा, देने वाले ने भी क्यों नहीं कहा और लेने वाले ने भी क्यों नहीं कहा, लेने वाले ने भी क्यों नहीं कहा, देने वाले ने कहा लो लकड़ ले लो छड़ी ले लो इसके साथ लड़ो। हज़रत उकाशा ने ये नहीं फरमाया कि या रसूल अल्लाह ये तो लकड़ी है इसके साथ मैं कैसे लड़ूं, उनको पता था देने वाला अल्लाह रसूल है, अल्लाह का महबूब है। ये वही हज़रत उकाशा है जो हजूर ने जब फरमाया ना कि मेरी उम्मत के 70,000 अफराद ऐसे होंगे जो बगैर हिसाब किताब के दिन निकले जाएंगे। तो हजरत उकाशा उठे, या रसूल अल्लाह मैं भी उन्हें शामिल हूँ? फरमाया तू भी उन्हें शामिल हो। हज़रत फरीद ने फरमाया या रसूल अल्लाह 70,000 थोड़े हैं, 70,000 थोड़े थोड़े हैं, अगर थोड़ा बढ़ाएं। जब सहाबा करम की मोल देखते तो फिर और बढ़ा देते। आपने फरमाया चलो 70,000 और कर देते हैं, या रसूल थोड़े हैं 70,000, फरमाया चलो 70,000 और कर देते हैं, या रसूल थोड़े हैं, फरमाया हर बंदा 70,000 की बख्शिश करवाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो फरमाया कि ये छड़ी ले जाओ, जब छड़ी पकड़ी तो वो तलवार बन गई, अल्लाह की मदद जो आ गई, तो खुदाए मदद पैदा कर फरिश्ते से नुसरत को उस तलवार के साथ इतना लड़े, इतना लड़े, वो तलवार जो है वो आपके पास कई गज़ुओं में महफूज रही, कई गज़ुओं में आपके पास मौजूद रही। तो ये है यकीन और तवक्कुल का सहाबा का। और उसकी एक दो मिसाल हजरत क़तादा फरमाते हैं कि मेरी आँख निकल गई, दुश्मन की तलवार लगी मेरी आँख निकल गई, मैं आँख का डेला हाथ में पकड़े हुए हुजूर की बारगाह में पहुँचा, मैंने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी आँख निकल गई। तो हुजूर ने ये नहीं फरमाया फिर मैं क्या करूँ, मैं को आँखें जोड़ने जो भी आया, मैं सिर्फ कुरान और हदीस सुनाने आया? नहीं, अल्लाह ताला ने अपने महबूब को तबीब बनाकर भेजा, सुभान अल्लाह, भेजा शफा देने वाला बनाकर भेजा। तो फरमाया कि ऐ कतादा अगर सब्र करो तो जन्नत में बड़ा आला मकाम मिलेगा। फरमाया या रसूल अल्लाह जन्नत का आला मकाम भी चाहिए और आँख भी चाहिए, जन्नत में आला मकाम भी चाहिए और आँख भी चाहिए। अरे कतादा फरमाते सरदार ने वो डेला ले लिया और डेले के पीछे अपना लुआबे दहन लगाया, सुभान लुआबे दहन लगाया और वहीं जोड़ दिया जहाँ पर लगी हुई, कोई डॉक्टर कोई तबीब ऐसा परेशान नहीं कर सकता, यहाँ तो ऑपरेशन करा के भी टांग टूटी की टूटी रहती है, आँख नज़र बदवा के भी कोई पता नहीं कि ठीक होगा कि नहीं होगा, लेकिन सरदार नज़र जोड़ी है। अच्छा कतादा फरमाते हैं कि खुदा की कसम वो आँख जो सरदार ने अपने नवाब से जोड़ी थी उससे मुझे ज्यादा नजर आता था दूसरी आँख के लिए। अरे मास ये छोटे बच्चे थे, दोनों भाई थे मुआफ़िज़ और मास, ये जंग में शरीक हुए तो हज़रत मुआज़ ने हज़रत अबू जहल को कत्ल कर दिया, लेकिन कत्ल करने से पहले इनका बाजू कट गया, कटा हुआ बाजू लेकर हजूर की बारगाह पहुँचे और हजूर अलैहिस्सलाम से या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मेरा बाजू कट गया। तो आपने फरमाया सब्र करो तो जन्नत में आला मकाम मिलेगा। या रसूल अल्लाह
जन्नत में आला मकाम भी चाहिए और ये कटा हुआ बाजू भी चाहिए, ये बाजू भी सही सलामत चाहिए। आपने बाजू हाथ में लिया, कुर्बान जाए उन हस्तियों के जो कटे हुए बाजू से भी लड़ गए, तो बाजू में लुआबे दहन लगाया वहीं जोड़ दिया। अरे माँ शर्माते हैं खुदा की कसम कि दूसरे बाजू में फिर भी दर्द होती थी लेकिन इस बाजू में सरकार का लुआब उसमें कभी तकलीफ नहीं। ये कफीलात उस वक्त पैदा होती हैं जब अल्लाह ताला की ज़ात पर तवक्कल पैदा हो जाता है और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा का मुकम्मल नमूना बन जाता है, तो फिर छड़ी तलवार बन जाती है, निकली हुई आंख जुड़ जाती है, टूटा हुआ बाजू दोबारा जुड़ जाता है। क्यों? उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम की गुलामी का हक अदा किया और फिर अल्लाह की ज़ात पर इस कदर तवक्कुल किया कि जब गज़वा बदर ख़त्म हो गई तो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आ गई कि ऐ मेरे महबूब, गज़वा बदर में जितने सहाबा इकराम शरीक हैं सब को जन्नत की बशारत हो, रब सब से राजी हो गया, रब सब से खुश हो गया और खुश होने के बाद वो नाराज नहीं होता। एक सहाबी ने कहा या रसूलल्लाह, क्या नमाजी माफ़, रोजे माफ़? फरमाया तुम पर माफ़, पढ़ो तुम्हारी मर्जी, ना पढ़ो तुम्हारी मर्जी। अब जब घर चले गए सुबह, जब हजरत बिलाल ने अजान पढ़ी तो सहाबा दीवारों को फलांगते हुए मस्जिद नबी में पहुंच गए। आपने मुस्कुरा कर फरमाया ऐ मेरे सहाबा कराम, तुमने तो नमाज की माफ़ी ली थी। आपने फरमाया क्या हम अल्लाह के एहसान के शुक्रगुजार बंदे न बन जाए, अल्लाह के एहसान मंद न बन जाए कि जिसने तने तनहा हमें कामयाबी अता फरमाई है वो बंदा भी क्या बंदा है कि जिसको मिले तो सब कुछ छोड़ दे। हम वो बंदे कि जिसको मिलता है उसकी बात का हम उतना ही सर झुकाते हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं ईमान वालों, उस वक्त याद करो जब तुम कमज़ोर थे, बदल के मैदान में थे, अल्लाह ताला ने तुम्हारी छड़ियों को तलवार बना दिया, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए पानी का बंदोबस्त करवा दिया, ऐसी कामयाबी कामरानी अता फरमाई, हाथ इधर हो गया बातल इधर हो गया, नूर इधर हो गया जुल्मत इधर हो गई, लेकिन अल्लाह पाक फरमाते फत्तकुल्ला, इसके बावजूद भी अल्लाह से डरते रहो, इसके बावजूद भी अल्लाह ताला से डरते रहो। क्योंकि लअल्लकुम तशकुरून, कोई फतह तुम्हें गुमान में मुबतला न कर दे, कोई फतह और कामयाबी तुम्हें तकब्बुर में मुबतला न कर दे। अब जब गज़वा फतह हो गया तो हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में सजदा गुनाह हो गए, या अल्लाह तूने अपना वादा सच कर दिखाया, तूने अपने वादे को सच्चाई का लबादा और दिया, सच्चा है तू, हक है, रहीम है, गफूर है, हर चीज़ पर कादर है। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, बयान करके करने का मकसद ये है कि ये गज़वा बदर भी एक बंदे का मन है, अगर इसको अंदर रखें तो पहले बंदे का टेस्ट होता है, उसके बाद अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ होती है कि या अल्लाह इम्तिहान पास हो गया, फिर दुआ होती है, फिर अल्लाह ताला की तरफ से इनाम और इकराम आता है। टेस्ट हो गया, गर्मी भी बर्दाश्त हो गई, सारा कुछ, अब क्या है, इनाम की घड़ियाँ करीब आ रही हैं, इनाम की घड़ियाँ करीब आ रही हैं। जिसने इतना वक्त गुजार दिया है, ये 10-12 दिन उसकी रहमत के आगे कुछ भी नहीं, मैं तो ये कहता हूँ रमजान उसी ने भेजा है और उसी ने आसानी पैदा की, वही आसानियाँ पैदा करता है। कई ऐसे जो बड़े बड़े दिन आते हैं, कल मेरे पास 2-3 छोटे बच्चे आए, उन्हें सारे रोजे रखे, तौफीक की बात, तौफीक की बात, हालांकि उन पर वाजिब नहीं थे लेकिन उन्हें रोजे रखे, तो इनाम की घड़ियाँ करीब है। लैलतुल कद्र को जागे, पाक रातों को जागे, कुरान पाक की तलावत ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आने वाली ईद हमारे लिए हकीकी ईद का बायस हो, हमारे लिए हकीकी ईद का बायस हो और अल्लाह ताला हमारे लिए उसको हकीकी खुशियों का जरिया बनाए। अल्लाह ताला मेरा आपका सबका हामी नासिर हो, अल्लाह ताला हम सब रखना फजर करम फरमाए, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामती अता फरमाए, कमाल अल्लाह इल्ला बिललाह वाखिर दावा अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुब्हान अल्लाह।